तेंदुए को लेकर डीएफओ ने खुटार रेंज के नत्थापुर और इनायतपुर के लिए अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि गोमती और भैंसी नदी के आसपास तेंदुए के होने की जानकारी मिली है। लोगों से अपील की गई है कि वह अकेले खेतों में जाने से बचें, जरूरत पड़ने पर झुंड में निकले तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी डीएफओ ने कही है। जानकारी से जुड़ी इसी खबर के साथ आपको दिखाते हैं दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। थाना पुआएं की गुटैया के आसपास लगातार तेंदुआ देखा जा रहा था। कुछ दिन पहले तेंदुए ने एक कुत्ते समेत कई जानवरों को मार दिया था। वन विभाग के कर्मचारियों ने भी तेंदुए के होने की पुष्टि की है। अपील की गई है कि अकेले खेतों की ओर ना जाएं और भैंसी नदी और गोमती नदी के आसपास ना जाएं, जरूरत पड़ने पर झुंड बनाकर जाएं। डीएफओ आदर्श कुमार ने कहा है कि तेंदुए के देखे जाने पर वन विभाग को तुरंत सूचित करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश निरहुआ इन दिनों शाहजहांपुर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। नियामतपुर में शूटिंग के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते पर है। इसके अलावा उन्होंने नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने पर सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उनके साथ बतौर एक्ट्रेस काम कर रही रितु सिंह ने भी लोगों से देश की एकता बनाए रखने और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। बड़ी खुशखबरी की बात है स्टार के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। क्योंकि जो फिल्म सिटी बनने जा रही है नोएडा में, वो फिल्म सिटी विश्व स्तर की बनने जा रही है। उसमें जो स्टूडियोज होंगे वो अत्याधुनिक जो फैसिलिटीज होती हैं शूटिंग के लिए वो सब वहाँ मिलेंगी। तो भारत के अलग अलग कोने से तो लोग वहाँ शूटिंग करने आएंगे ही, विदेशों से भी लोग शूट करने के लिए हमारी फिल्म सिटी में आएंगे। इतनी बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। और जहाँ तक बात है कलाकारों के लिए, तो अब देखिए यही शूटिंग हम कर रहे हैं यहाँ शाहजहांपुर में। तो जितने भी इसमें कलाकार हैं, हम हीरो हीरोइन को अगर छोड़ दें, हम दोनों भी तो हैं उत्तर प्रदेश से ही, लेकिन आप कह सकते हैं कि हम मुंबई से आए हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी कलाकार हैं वो सब यहीं शाहजहांपुर के ही। जहाँ भी शूटिंग होती है वहाँ के लोकल कलाकारों को तो मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो अगर फिल्म सिटी यहाँ बन गई तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, कितने कलाकारों को काम मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। शाहजहांपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव ने भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री रितु सिंह को आज अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। दरअसल शाहजहांपुर में चल रही एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आज नियामतपुर में शूटिंग की गई। इस दौरान फिल्म अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ और फिल्म अभिनेत्री रितु सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर भोजन किया। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव ने उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। थाना बंडा के रामपुर हीरा गांव में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। दरअसल गांव के ही रहने वाले हरिश्चंद्र की लाश आज गांव के बाहर गन्ने के खेत में पड़ी मिली। शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता मनजीत सिंह ने आज बंडा से दर्जनों किसानों को गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना किया। मनजीत सिंह ने यहां किसानों की एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद किसान गाजीपुर के लिए रवाना हो गए। मनजीत सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है और सरकार को मजबूरन कृषि विरोधी तीनों कानून वापस लेने होंगे। चौक कोतवाली पुलिस ने एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ है। दरअसल आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले आशुतोष कुमार ने 12 अगस्त 2021 को कोतवाली में चोरी की सूचना दर्ज कराई थी। बताया था कि उनके घर पर अज्ञात चोरों ने सोने की 4 अंगूठी, 1 पायल और गुल्लक में रखी हुई नकदी, इन्वर्टर और गैस सिलेंडर चोरी कर लिया था। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कनौजिया तिराहे से एक सातिर चोर जमीर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ।
फिलहाल पुलिस ने जमीर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। निगोई से भाजपा नेता सर्वेश वर्मा ने जामा मस्जिद में सोलर लाइट लगवाई है। इस सराहनीय कार्य के लिए लोगों ने उन्हें दिल से धन्यवाद बोला। दरअसल लंबे समय से जामा मस्जिद में लाइट की जरूरत थी, जिसको अब सर्वेश वर्मा ने पूरा कर दिया। जलालाबाद पुलिस ने मारपीट और गाली गलौज कर झगड़ा करने वाले 8 लोगों के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि क्षेत्र के गांव खेड़ा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में चालान कर दिया। कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को आज जलालाबाद में सम्मानित किया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख शकील खान ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देते हुए सम्मानित किया। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने आज नगर क्षेत्र के न्यू सिटी में नवनिर्मित बस चार्जिंग स्टेशन, नगर निगम कार्यालय और न्यू सिटी ककरा से अजीजगंज तक बन रहे पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने नवनिर्मित चार्जिंग बस स्टेशन का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों से चार्जिंग स्टेशन के कार्यों की जानकारी ली और चार्जिंग स्टेशन में बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। पूर्व सांसद और SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया तो शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। समाजवादी लोहिया वाहिनी ने पुआया तहसील कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इस दौरान सपा नेता उपेंद्र पाल ने करनापुर के सोहेब को पुआया विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। उपेंद्र पाल ने सोहेब को फूलमाला पहनाकर उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। चौकोतवाली पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से शराब और शराब बनाने के उपकरण मिले हैं। पुलिस ने मौके से 56 लीटर कच्ची शराब, 1 गैस सिलेंडर सहित कुछ बर्तन बरामद किए हैं। साथ ही शराब में मिलाने के लिए रखी हुई यूरिया भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम लालाराम और राकेश हैं, जो कि कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जलालाबाद के याकूबपुर में संदिग्ध रूप से एक युवक का शव बाग में आम के पेड़ से लटकता हुआ मिला। शव की पहचान मोहित नाम के युवक के रूप में हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बात का पता अभी नहीं लगा है कि युवक ने फांसी क्यों लगाई।